उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने मेरे ना नाराजगी बहुत सी किते ना किते सिखिज़म नू शक दी नगाह नाल देख के उन्हें डैल्यूट करने की कोशिश करते डेरे पंजाब च क्यों है हाँ पूरे मुल्क च क्यों नहीं है तो डेरे बाणी नू ही लैके गुरबाणी नू ही लैके ही प्रफुल्लित हुंदे हैं तो क्यों डेरे इन्ने फैलदे हैं क्यों इन्ने डेरिया नू जिहड़ी भी समय की सरकार हुंदी है सेंटर की उन्होंने इन्नी ज़्यादा मानता क्यों दिंदी है इन्नी ज्यादा उदों भी मैनू काफ़ी अट्रैक्टिड सी सरदार प्रकाश सिंह बादल वालों 1977 दियां इलैक्शनां तो या एमरजेंसी तो लैके इन्हां नाल मेरा लगाव रहा पर कमाल की गल यह है कि जिन्हें एम एल ए सी उहदे विच कांग्रेस दे उन्हां नू बड़ी एंगजाइटी सी कि कैप्टन बच ना जाए वह मैनू बार बार कहिंदा सी पक्की रिपोर्ट करें बच ना जाए जे सिमरजीत सिंह बैंस ना हुंदा कोई होर हुंदा ते इस तरह स्टेट उहदे पिछे खड़ जांदी तो मैं उहदे लई भी लड़दा तुहानू लगदा स्टेट खड़ी 100% स्टेट खड़ी है तुसीं देखो ना सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सोचा कि ये कितने होर ज़्यादा योगदान दे सकता है तो मैंने एक दिन बुला के पी जी आई च मैं बीबी जी बीमार से हाल पता करन गया उत्थे मैं लग बिठा के पुछते काका जे तू सियासत च रहना तो तेरी मर्जी है मैं सोचना तैनू जे मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मैं इन्ना ज़्यादा लड़दा सी कि जेडे टीचर्स की बदली है वो मंत्री लैवल तक डिसाइड होंगी है टीचर का राइट होना चाहिए बदली तुम पैरामीटर्स करा दो मार्किंग सिस्टम कर दौ फरवरी के महीने सारे अप्लाई कर दे कंप्यूटर रिजल्ट कट दे 31 मार्च तो पहले 1 अप्रैल में ज्वाइन कर लैन ह्यूमन फैक्टर है जो ट्रांसफर के बंद कर देना चाहिए मैं चकदा रहा वो इंक्वायरी सी वो कैप्टन साहब के अगेंस्ट मैं रिपोर्ट देती मैं मन च सोचा कि मैं अपने टैलीफोन नंबर आप CBI विजिलेंस में दूंगा कि मेरे रेगूलर टैप करो मैं समझता सी अपनी पार्टी के उल्ट क्यों चलते हैं पर यही एक पॉलिटिक्स है पर मैं वो बिल्कुल तोलमा फैसला बादल साहब नूं तां मेरी रिपोर्ट जिद्दन मैं टेबल की है उदन पता लग्या कि रिपोर्ट है मैनू किसी ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया मेरा जे मैं इलैक्शन लड़दा है या जित जाना मेरा नैक्सट टारगेट होगा जुडिशियल सिस्टम सुधारना जब कंट्री का पार्टीशन होया पाकिस्तान नाल वो पार्टीशन पंजाब का पार्टीशन बनाता सही देखो ये चीज़ मैं लर्न की है सरदार प्रकाश सिंह बादल को वो असैम्बली बहुत सीरीयसली लेंदे सी सैशन ते मिलना बंद कर देंदे सी कॉमरेड कुलदीप सी असी 5-6 बंदे ने टीम बना के वो संघर्ष किया सैशन जज डिसमिस कराया बाकी सारे सैशन जज ट्रांसफर कराया लुधियाने वर्चुअली करप्शन मुक्त बना दिया वो फिर यही हो गया तो वकील है जी ये कोल कि वोटा है एंड गल भी सच्ची सी मैं वकील सी मैं पोलिटिकल जी डे टू डे लाइफ होंगी है मैं उस मेरा बिल्कुल रोल नहीं सी पर कि ना कि बड़े बादल साहब ने भी मैं बार बार किया सुखबीर जी ने भी किया कि नहीं असी कि ना कि तेन लड़ानी है मैं कहीं फिर थोड़ी मर्जी है वो मैं कहता मैं तेरी मदद करूँगा मैं क्या यार मैं तो सोचा संत सिंह तू ये सोचेगा मैं तेरे उल्ट केस लड़ना कहता ना तू केस तो इमानदारी लड़ना जिदे मर्जी लड़ना मैं तो इस हद तक ही पता है कि एक इतने ब महारथी है वो इसलिए पैसे देंगे है कि इस किस्म के एक्टिविस्ट नूं कि साढ़े पोल ना खोलो पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते सारे दर्शकों का स्वागत दोस्तों मैं सुखनैप सिंह सिद्धू अनटोल्ड स्टोरीज़ दे नाल शामिल हाँ असी जदों भी किसी राजनीतिक बंदे कोल जाने तो उसकी गैर राजनीतिक जिंदगी की जदों गल करते हैं तो अनटोल्ड स्टोरी दे राही हुंदी है अज लुधियाने दे विच आ ते इत्थों साबका विधायक ते अजकल सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं प्रसिद्ध वकील ने हरीश राय टांडा अज उन्हां दी जिंदगी ते गल करते हैं जानते हैं की रहा इन्हां दी जिंदगी दे विच की उतरा रहे ते की चढ़ा रहे हाँ जी टांडा साहब स्वागत सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल सर बहुत धन्यवाद तुसी टाइम कढ़िया और गल करिए जी कि जो सियासत वास्ते भी टाइम कढ़ना पैंदा पढ़ाई वास्ते भी कढ़ना पैंदा कितना कितने किसी मुकाम नूं हासिल करने के वास्ते भी बड़ा कुछ करना पैंदा हरीश राय टांडा होरां नूं सब तो पहला की करना पिया सब तो पहला तो बचपन तो पढ़ाई हुई सी जी सो पढ़ाई दे समय मेरी इच्छा इंजीनियरिंग करन दी सी मेरे फादर कहिंदे नो तू लॉ करनी सो माइंड सैट ही बन गया मेरा 10वीं तो बाद के मैं लॉ करनी है सो लॉ करके आके बाहर दी पॉलिटिक्स दे विच भी रहा सो उहदे लई भी टाइम कढ़ना ते अपनी प्रोफेशन लई भी टाइम कढ़ना मैं बाहर ने मैनू नंबर ऑफ टाइम मैं प्रेजिडेंट बनया बाहर दा बार कौंसल दा मैंबर बनया चेयरमैन बार कौंसल बनया ते फिर मैं 18 साल
कोई इलेक्शन नहीं बाहर दी लड़ी। स्टूडेंट लाइफ दे विच कोई इलेक्शन लड़दे रहे? हाँ, मैं स्टूडेंट लाइफ दे विच डिपार्टमेंट दा रिप्रेजेंटेटिव रहा, स्टूडेंट काउंसिल दा एग्जीक्यूटिव मैंबर रहा, सैकटरी रहा। सो ईवन ग्रेजुएशन टाइम दे विच वी सी आर हुंदे सी, उदों सी आर रहा। सो ए मुड तो लीड करना, संघर्ष करना एक नेचर दे विच सी। संघर्ष ने फिर वकालत च किन्ना साथ दिता? बहुत साथ दिता। लॉ नाल रैशनलिज्म आंदा, सेल्फ बिलीफ आंदा, सबॉर्डिनेशन किसी की नहीं, तुसी खुद मास्टर हो। इहदा जिहड़ा कंबीनेशन है वह सारे ने मैनूं बहुत मदद की है अपनी लाइफ दे विच थ्रू आउट जी। राजनीति च फिर कदों शामिल हो गए? मैं इंडियन पॉलिटिक्स दे विच शुरू तो ही, ईवन स्टूडेंट लाइफ दे विच जी, उस समय भी असी रल मिल के सोचते सी कि इस मुल्क नूं किद्दां बचाया जाए, किद्दां नवीं दिशा दित्ती जाए। फिर मैं स्टूडेंट लाइफ चो प्रोफेसनल लाइफ च आ गया। उदों भी मैनू काफ़ी अट्रैक्टिड सी सरदार प्रकाश सिंह बादल वालों, 1977 दियां इलैक्शनां तो या एमरजेंसी तो लैके इन्हां नाल मेरा लगाव रहा। पर मैं कदे भी होल टाइम पॉलिटिशियन नहीं रहा। यही वजह रही कि मैनू पार्टी कदे कंसिडर नहीं सी करदी इलैक्शन लड़न लई। फिर एक बार मैं जिद दे विच आजाद इलैक्शन भी लड़ी। ओके, के ओह किहड़े वेले? ओह मैं लड़ी 2002 च। सो मैं स्टेट वे लड़ी ते मैनू 10-11 दिन मिले मैनू कंपेन करन नू, ते उहदे च मैं 9000 दे करीब मैनू वोट मिली ते मैं बहुत सैटिस्फाइड सीगा। कि लुधियाणा ईस्ट तो ही जी? लुधियाणा वैसट तो। फिर 2007 च आके मैनू पार्टी ने टिकट दिती ते जिहड़ी मैं आजाद लड़िया सी उहदा मैनू बहुत बेनीफिट होया। जिहड़े मेरे नाल लोग जुड़े सी उसे तरह जुड़े रहे, अज तक भी जुड़े हुए हैं। फिर मैं रीबेल पॉलिटिक्स सेगा, मैं हर चीज़ बेबाकी ना बोलता सी, क्रिटिसिजम करता सी। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सोचा कि यह कितने होर ज़्यादा योगदान दे सकता है, तो मैंने एक दिन बुला के PGI मैं बीबी जी बीमार से हाल पता करन गया। उत्थे मैं लग बिठा के पुछते, काका जे तू सियासत च रहना तो तेरी मर्जी है, मैं सोचना तैनू जे मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ला दूँगा। मैं क्या जी इन्ना की मंगे? 2 अखा। मैं देखे हाथ किया, मैं कहा जी मैनू दे दौ, मैं इतने बहुत सैटिस्फाइड नहीं है। वो गल गई आई। फिर 2-2.5 महीने बाद ऑल ऑफ ए सडन मैंने बुलाया, कहते अपना बायोडेटा दे। मैं उत्थे लिख के देता बायोडेटा, पर कुदरत नूं मंजूर नहीं सी। वो मेरा चैलेंज किया। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने मेरे ना नाराजगी बहुत सी। चलो किस गलों सी नाराजगी? इसलिए सी कि मैनू एक असैम्बली दे विच कमेटी का चेयरमैन लगा दिता जी स्पीकर साहब ने। वह इंक्वायरी सी वो कैप्टन साहब के अगेंस्ट मैं रिपोर्ट देती। मेरे जो कागजे वाली जी जां कोई होर सी, वो अमृतसर लैंड स्कैम सी, कट्ठे जे चले ना। हाँ, मैं वह जो मैनू नज़र आया मैं वो अनुसार देती, क्योंकि बतौर वकील मेरे नेचर च सेगा कि जो कागज़ सामने वो मुताबक कर दो। तो मैं बड़ा हैवी डिसीजन सी। मैं एक दो अपने सीनियर लॉयर्स हाई कोर्ट दे नाल भी राय की, वो कहिंदे जो तेरी कॉन्शियस कहिंदी वो कर। फिर मैं अपनी वह रिपोर्ट दिती। उहदे बाद विधानसभा ने कैप्टन साहब नूं कहना था इत्थे पार्टी दे कहिंदे भी कुछ किया इमानदारी नाल। बादल साहब नूं तां मेरी रिपोर्ट जिद्दन मैं टेबल कीती है उद्दन पता लग्गिया कि रिपोर्ट है। मैनूं किसी ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। पर कमाल दी गल है कि जिन्ने MLA सी उहदे विच कांग्रेस दे, उहनां नूं बड़ी एंगजाइटी सी कि कैप्टन बच ना जावे। वो मैनूं बार बार कहिंदा सी पक्की रिपोर्ट करी, बच ना जावे। मैं समझदा सी इह अपनी पार्टी दे उल्ट क्यों चलदे आ, पर यही एक पॉलिटिक्स है। पर मैं वो बिल्कुल तोलमा फैसला किया, एंड मैं अज भी उहदे नाल स्टैंड करदा। मेरा फैसला गलत नहीं सी, जो मैं फैसला किया वह सही सी। उहदी वजह नाल तुहाडी चेयरमैनशिप नहीं बहाल हो सकी? हाउ डज इट मैटर? नहीं हुई। जे हो जाती तो वोद भी मैं एक बहुत बड़िया रेवोल्यूशनरी चेंजेस लिया। मैं मंच सोचा होया, मैं मंच सोचा सी कि मैं अपने टैलीफोन नंबर आप CBI तो विजिलेंस में दूंगा कि मेरे रेगूलर टैप करो, ताकि मैं सोचना कि जो पब्लिक प्लेसिस बंदे उन्होंने रेगूलर टैप होने चाहिए, ताकि वह हिम्मत ही ना कर डैल्यूट हो, मिक्सअप हो। फिर मैरिट सर सियासत बड़िया चोर मोरिया होर भी होंगे ने, पहले फोन ही बंद करनिया चाहिए। जे तुसी इंस्टीट्यूशनस नूं बिल्ड नहीं करोगे, इन्हां नूं तकड़ियां नहीं करोगे, वाइब्रेंट नहीं बनाओगे, जिहड़े इन्हां ते अटैक्स हुंदे आ बाहरों, करप्शन दे हो गए या फेवरेटिज्म दे हो गए, वो दूर नहीं करोगे, उदों तक ये मुल्क अगे नहीं बढ़ेगा।
ये इंस्टीट्यूशन सारिया स्ट्रोंग होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जी लैजिस्लेचर है बहुत वीक है इंडिया की साढ़े उत्थे जो लैजिस्लेचर का रोल है साढ़े एम एल एज़ नू भी नहीं पता ज़्यादा वाइब्रेंट रोल होना चाहिए टेबल तो बिल आ जाते हैं एम एल ए तो पता ही नहीं होता कहदे बिल है मैं दो चार बिलों के उत्ते ऑब्जैक्शन रेज करने की कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं होया मैं खुश नहीं है जिस तरह लैजिस्लेचर चलती है मैं समझना वो ज़्यादा फ्रीडम ज़्यादा नॉलेज एम एल ए होनी चाहिए है ज़्यादा डिबेट ज़्यादा रिसर्च हर लॉ ते हो के फिर लॉज पास हो टांडा साहब फिर किमें हो सारा कुछ किमें पॉसीबल हो क्योंकि देखो आप सारिया राजनीतिक धिर की गल करते किसी एक दी नहीं उत्थे टिकटा लैन के वास्ते तो अटैची तक जाते हैं सिफारशा जाते हैं बड़ा कुछ होंगे तो फिर सीखण सिखाने वाला काम तो बहुत घट रह जाता बहुते बंदे है जोड़े हूँ आप पिछली जो थी अकाली दल की सरकार से उदो एल ओ पी सी मिस्टर अपने चन्नी साहब जो उन्होंने पूछा गया थोड़ी सरकार ने पिछले पाँच सालों की किया जवाब तो एक ना कि पैच वर्क किया यह तो नहीं कि पांच सालों कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार ने पैच वर्क ही किया कम तो कोई होर भी किए हो जिते एल ओ पी खुद नहीं तैयारी करके जाता बाकी की करते हो देखो ये चीज़ मैं लर्न की है सा प्रकाश सिंह बाद असैम्बली बहुत सीरीयसली लेंदे सी सैशन ते मिलना बंद कर देंदे सी एक एक डॉक्यूमेंट जिहड़ा जवाब उन्हां दी मिनिस्ट्री दा हुंदा सी आप तैयार करके इन डैप्थ जांदे सी जिहड़ी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर है इनू भी बहुत तकड़ा करने की लोड़ है ये जड़े जिहड़ी पार्टी बनाती है वो हक दी जिहड़ियां गल्लां करदे नहीं होनियां चाहीदियां ये सोमनाथ जी वर्गा चैटर्जी वर्गा स्पीकर होना चाहिए जिहड़ा बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना होवे पोलिटिकल शेड तो फिर जिहड़ी असैम्बली है उहदे च भी मीनिंगफुल है जिहड़े वो गल्लां होनियां चाहीदियां बदकिस्मत यह है कि जिहड़ी डिस्कशन ते डिबेट हुंदी है वो बहुत पुअर है सिर्फ तो सिर्फ अखबारी खबर बनाने लई उत्थे सवाल चक्के जाते हैं जीरो आर चक्के जाते हैं जिहड़ी एक्चुअल रोल है लैजिस्लेचर का उहदे ते तरजीह नहीं है उहदी वजह यह भी है कि साडी जिहड़ी एग्जैक्टिव है वह लैजिस्लेचर चो मर्ज करती है ब्रिटिश सिस्टम है ये करके लैजिस्लेटर समझदा ही नहीं कि मेरा रोल एज लैजिस्लेटर की है वह सरकार बनाने की गल करता है एम एल ए जाके ये गल्लां करता है मैं जी इत्थे सड़कां बनाऊँ मैं इत्थे नालियां बनाऊँ मैं इत्थे फैक्ट्री लवाऊँ वो तेरा रोल नहीं है तेरा रोल कानून बनाना है वो रोल एग्जैक्टिव है पर एग्जैक्टिव लैजिस्लेचर चो मर्ज करती है वह अपने आप को उस रोल से टाल लेंगे ये अमेरिकन सिस्टम बैटर है जिहदी लैजिस्लेचर अलग है एग्जैक्टिव अलग है वो बहुत वंडरफुल वर्किंग सिस्टम है इंडिया भी कित ना कि सोचना पेगा कि असी सिस्टम यही रखिए कि सिस्टम च बदल लैके टाणा साहब फिर ये इंप्लीमेंट किमें होगा देखो कानून बनते हैं आप मानते हैं कि एम एल एज ने बनाने या सरकार ने बनाने दोवें तरह की होंगी अपोजिशन भी होंगी वो पर ये वास्ते फिर हो प्रोपर की हो प्रोपर सब तो पहला यह है कि जोड़ा कानून बनते हैं वो फ्लॉलैस बनने चाहिए हैं चैक्स एंड बैलेंसिस बहुत स्ट्रोंग चाहिए ताकि गुंजाइश फेवरेटिज़म की गुंजाइश करप्शन की एलीमीनेट हो जाए पर यह बनाए ऐसे जाते हैं कि ये लूप होल्स होन के हुंदा रहे हुन ऑनलाइन बिडिंग करती ये कहता कि ऑनलाइन बिडिंग है फिर तो सिंगल बिडर भी ले लवे हुन जिहड़ी ऑनलाइन जिन्हें चलानी है जे उही कंट्रोल करी जांदा दूजे होर नूं एंट्री नहीं करन दिंदा बिड दे विच एक बिड आने के बाद उन्होंने ब्लॉक ही कर देता साइट नो ये नाल इन्नी ज़्यादा करप्शन फैल गई है जिहदा तुसीं अंदाजा नहीं ला सकते अंग्रेज़ के जमाने के सारा पेपर वर्क नाल सिस्टम चलते सी पर चैक्स एंड बैलेंसिस इन्ने स्ट्रोंग सी कि गुंजाइश ऑफ करप्शन नहीं सी हुण म्यूनिसिपल कारपोरेशन है जी इन्हां दी ऑडिट नहीं हुंदी इन्हां दी बैलेंसिंग नहीं हुंदी इन्हां दी बैलेंस शीट नहीं बनती ये पता ही कुछ नहीं खर्चा कितने होंगे खर्चा जा कितने रहा सेम थिंग तो पिछली सरकार दे वेले उदो पंचायतों वेले भी नहीं होया क्योंकि फंडिंग बड़ी आई ऑडिट कितने होया नहीं सारा सिस्टम ही इन्ना डिल्यूटेड है जब मैं एम एल ए बनिया मैं बड़ी हैरानी मनोरंजन कालिया जी को गया मैं कहा कालिया जी मैं तो हैरान रह गया कि यह बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ होंगी अकाउंट्स बैलेंस नहीं होंगे यही वजह है कि लोग पैसे जमा करा जाते हैं कमेटी जब दो साल बाद जाते हैं कहते तेरा खड़ा है क्योंकि उन्होंने पोस्टिंग नहीं होंगी पोस्टिंग इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ऑडिट नहीं होंगी ऑडिट हो पोस्टिंग भी होगी हूँ वो कहते मैं डबल एंट्री सिस्टम कर रहा डोंट वरी वो मैं सुनता ही रह गया अज तक डबल एंट्री सिस्टम नहीं होया जोड़ा मिनिस्टर्स हैं वो सुपर इंपोज ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं वो सारिया फाइलों अपने को मंगाते हैं वो सोचते हैं ये मेरी शक्ति है ये नहीं आती शक्ति मिनिस्टर का रोल सिर्फ तो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग इंप्लीमेंटेशन देखना है जिहड़ा रोज़ दियाँ फाइलां चैक करनी नहीं करनी चाहिए कंट्यूर्स ऑफ अथॉरिटी बना के डिसेंट्रलाइज करना चाहिए हूँ एक स्कूल है
ਤੁਸੀਂ CBSE ਦਾ ਸਕੂਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ NOC ਹੈ ਉਹ DO ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ NOC ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CLUs ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਿੰਗ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਪ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਨਗਲਫੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਚੱਕੇ? ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 97 'ਚੋਂ ਮੰਗੀ ਟਿਕਟ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ BJP ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 97 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗੀ 2002 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਐਂਡ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ 5-6 ਦਿਨ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫੋਰਮੀਡੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨਾ ਵਾਸ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 14,000 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਵਿਕਟਰੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ PPSC। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂ ਫਲਾਨੀ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ?
मैं टोटल वकालत करना मैं जानता नहीं, पर मेरी वकालत दे विच मेरा कॉन्टेक्स्ट बहुत रहिंदे हैं। मैं ट्रू वकालत की लाइफ च, मैं इस वजह करके मैं जिहड़ी उहनूं कहिंदे ना बहुत वड्डी वकालत हो जाए उत्थे मैं कदे नहीं पहुँचा। मैं चंडीगढ़ भी नहीं जा सकया, इत्थे ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं जिहड़े आइडियल्स नाल प्रैक्टिस करदा हां। मैं जब प्रेजिडेंट बनिया बार दा उदों मैं चैक किया कि अद्धे तो वध दिन वकील हड़ताल ते सी। मैं एक साल संघर्ष किया तो स्ट्राइकां बंद करती, जीरो स्ट्राइक ते लै आया। मैं फिर जजां दी करप्शन बड़ी सी, फिर मैं वो लड़ाई लड़ी। मैनू बार दे कई मैंबरस ने बड़ी मदद की, सहयोग दिता। साडे पवन कई सी वकील, नवल छिब्बड़ सी, शोक मित्तल सी, कॉमरेड कुलदीप सी, असी पांच छे बंदियां ने टीम बना के वह संघर्ष किया। सैशन जज डिसमिस कराया, बाकी सारे सैशन जज ट्रांसफर कराए, लुधियाने नूं वर्चुअली करप्शन मुक्त बना दिता। ये मेरी ब्लड च लड़ना। तो मेरे को अद्धे केस हमेशा यह जे होंदे हैं जिन्हां तों मैं नॉमिनल फीस या बिना फीस काम कर दिंदा। कई यह जे भी है जिन्हां मैं पल्यों पैसे ला के भी काम कर दिंदा। ये मेरी वे ऑफ प्रैक्टिस है। मैं कदे कलाइंट नूं कंपेल नहीं करता कि तू मैनूं फीस दे, जो नहीं दित्ती चलो ना सी। एंड वो वजह है कि मेरे गुडविल बड़ी है। जब मैं इलैक्शन लड़िया, मेरे ऑपोजिट कलाइंट्स जो सी वो भी मेरे बूथ संभाले उन्होंने। वो एंड हले तो याद है, बेचारा हुण रहा नहीं, संत सिंह हुंदा सी। उहदे कई केस सी, मैं उहदे उल्ट लड़दा सी। वो मैनूं कहिंदा मैं तेरी मदद करूँगा। मैं कहा यार मैं तो सोचा संत सिंह तू ये सोचेगा मैं तेरे उल्ट केस लड़ना। कहिंदा ना, तू केस तो इमानदारी नाल लड़ना, जिहदे मर्जी लड़ना। उन्होंने मैंने बड़ी मदद की संत सिंह जी ने। हुण वह बेचारे रहे नहीं। होर बड़े ऐसे क्लाइंट्स मैंने, बहुत बंदिया ने मदद की। कारण है ढांडा साहब जुडिशरी के भी करप्शन है जिवें तुसीं गल कीती? जुडिशरी का स्तर बहुत माड़ा है। ये लास्ट रिसोर्ट है, हले भी बाकियां नालों बहुत चंगा। जे को लास्ट होप हले भी जुडिशरी है। पर जब जुडिशरी ये फीलिंग आने लग जाए किसी के मन च कि मैरिट पर फैसला नहीं होया, ये फीलिंग बहुत पैड़ी है, इनू दूर करना चाहिए। एक जड़ा डिले है वह दूर होना चाहिए। मेरा जे मैं इलैक्शन लड़दा या जित जाना है, मेरा नैक्सट टारगेट होगा जुडिशियल सिस्टम सुधारना। एंड ये जड़ा बहम है सारियां कि जिहड़ी जुडिशरी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुधार सकते हैं, नो, ये लैजिस्लेचर सुधारूगी। लैजिस्लेचर चंगे कानून बना के जिहड़ी डिस्क्रिशन का सिस्टम है वह गैब करन दी लोड़ है, उन्हें लिमिनेट करन दी लोड़ है। एंड मेरे मन दे विच पूरे प्लैनस हैं, आइडियाज़ हैं मेरे कोल। एंड मैं अपनी पार्टी नूं आइडियाज़ दे के मैनीफेस्टो च भी चाहूँगा कि असीं ये लैके आईए कि असीं बंदा इंसाफ समय सिर इंसाफ देन दी वचनबद्धता देवांगे लोकां नूं। पर तुहाड़ी पार्टी ते तां वड्डे दोष लगदे ना कि बरगाड़ी वाले मामले ते हजे तक कुछ भी नहीं हो सकिया, सत्ता भी सी। बरगाड़ी दा जिहड़ा इंसीडेंट है बहुत वड्डी कॉन्सपिरेसी है। तुसीं कुमार विश्वास जी नूं सुनो, उन्होंने किन्ना बेबाकी नाल कहा कि पंजाब दी तुसीं जिहड़ी सोशल फाइबर नाल ना खेलो। आम आदमी पार्टी सोशल फाइबर नाल खेलण दी कोशिश करती है। ये जिहड़ी बरगाड़ी दा इंसीडेंट है इलैक्शनां तों पहलां होना, तो इस किस्म दे सीरीज़ होने ये पिछे एक पोलीटिकल माइलेज लैन दी सी, एक बहुत वड्डी कॉन्सपिरेसी है। अनअर्थ कर सके ये साड़ी कमजोरी कह लो, फेलियर कह लो, साड़ा उस समय का असी नहीं कर सके, असी पछताने हैं। बिकॉज असी कोशिश पूरी की। एंड जिहड़े बंदियां तक असी पहुँचे सी अज उही बंदे इसे सिट ने फड़े हैं, कोई होर नहीं फड़े। पर इहदे पिछे जिहड़ी कॉन्सपिरेसी है उहनूं असी अनअर्थ नहीं कर सके, होना चाहिए। हुण भी हालात तुसी देखियो, कदे ना कदे किते ना किते डर आता है कि पंजाब दे विच इलैक्शन नेड़े हैं, फिर हालात ना बिगड़न। गैंगस्टर किन्ने आ गए, टैररिस्टां दा काम मुड़ के शुरू हो गया, टिफन बॉम्बस मिलने, ये किते ना किते साजिश दा हिस्सा है, लार्जर कॉन्सपिरेसी है, ये छोटी नहीं है। इहदे च कौन हो सकदा है? एक शेर है राहत अंदौरी साहब दा, तुसीं सुणा ही होगा, पता सरहद पे तनाव है क्या, पता करो कहीं चनाब है क्या। ये सारा कुछ इन्हां दिनां च क्यों आ गया? इहदे पिछे कोई राजनीतिक एजेंसियां दी चाल, वैसे तो एजेंसियां वाले दोष लगदे आ जां की हुंदा, ये सर किन्ना कह? देखो मैनूं फीलिंग बड़ी स्ट्रोंग हुंदी है, मेरी परसनल फीलिंग है, जे इहदे पिछे मैनूं कहो कि मैं कोई ठोस सबूत देवां नहीं है, किते ना किते सिखिज़म नूं शक दी नगाह नाल देख के उहनूं डायल्यूट करन दी कोशिश करदे। डेरे पंजाब च ही क्यों है? हाँ वड्डी पूरे मुल्क च क्यों नहीं है? तो डेरे बाणी नूं ही लैके, गुरबाणी नूं ही लैके ही प्रफुल्लित हुंदे हैं। तो क्यों डेरे इन्ने फैलदे हैं? क्यों इन्ने डेरिया नूं जिहड़ी भी समय दी सरकार हुंदी है सेंटर दी, उन्हां नूं इन्नी ज़्यादा मानता क्यों दिंदी है? इन्नी ज़्यादा
ये मेरी परसनल फीलिंग है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब ते बहुत बड़े हमले सरहद ते पारों भी होंदे, नशे दे भी होंदे, फिर सानू कितें ना कितें जिहड़ियां एस्पीरेशनज हैं साडियां सूबियां दियां उन्हां नूं जे सेंटर मारदी है उहदे विच बागीपुणा भी निकलदा है, कल्ला पंजाब च नहीं निकलदा, तुसीं देखो तां तमिलनाडु च भी निकलदा, सदरन स्टेट्स भी निकलदा, उहनां नूं लैंग्वेज नूं लै के लगदा, सानू भी लगदा साडे ते हमला किया जाता है, सानू पंजाबी लैंग्वेज का स्टेटस बहुत लेट दिता, सानू शुरू च नहीं दिता, शुरू चुनाव डायलैक्ट कही गए, सानू पंजाबी सूबा नहीं दिता, सानू पंजाबी बोलना जे दिता तो एक इहो जिहा प्रचार करता लोगों तो पंजाबी की जगह हिंदी लिखवा दी, साढ़े सानू अज तीन साड़ी कैपिटल नहीं दिती, साढ़े पानी लै गए सानू पानी नहीं दिते, ये जिहड़ियां सारियां गल्लां है ये किसी ना किसी वितकरा पंजाब दे नाल है। जब कंट्री का पार्टीशन होया पाकिस्तान नाल वो पार्टीशन पंजाब का पार्टीशन बना सी, एक वो, भी पंजाबी नहीं सी उहदे विच हिस्सेदार पार्टीशन करने वाला नहीं सी, असीं नहीं चाहते सी पर होया, साडे ते थोपिया गया, थोपन दे बाद मुल्क का पार्टीशन क्यों नहीं होया, इहनूं पंजाब का क्यों बनाया, जिहड़ा पैकेज ऑफ प्रॉपर्टी है कल्ली पंजाब की एक्सचेंज हुई, जिहड़े साडे बंदे उधर छड के आए 100 रुपए की प्रॉपर्टी छड के आए ते इत्थे 30 रुपए मिले, क्योंकि जिहड़े इत्थों गए सी उहनां दीआं प्रॉपर्टियां घट सी, जिहड़े आए सी उह पिछे प्रॉपर्टियां ज़्यादा छड के आए सी, उह किसी ने सानू नहीं सांभिया, साडा 20,000 पंजाबी मद्रास च आया सी, 15 दिन रख के उन्होंने पंजाब भेज दिता, पंजाबियों जिहड़े पंजाब चो डिसप्लेस होकर पंजाब च ही रखे गए, क्यों नहीं सारे कंट्री दे विच उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देकर लेके गए, पंजाब दे नाल बहुत तक्के हैं, एंड पंजाब तो असीं अपनी मेहनत नाल उठे हैं, कैरों साहब ने जिहड़ी कंसोलीडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई, नहीं तो अगे सांझे खूह होंदे सी कोई मेनटेन नहीं सी करदा, जमीना बंडिया गई खूह आए हल्ट आए, हल्टां दे नाल मेहनत हुई, रात रात बोतियां ने हल्ट चलाए, पंजाब दी जमीन नूं जरखेज़ कीता, टिब्बे पंजाब दे विच्चों खत्म कीते, वो मिट्टी कराई पद्धर की, फिर ट्यूबवैल्स आए, फिर मशीनरी आई पंजाब च, ट्रैक्टर्स आए, पंजाब दे किसान दियां घरवालियां खेत मजदूर सारे ने रल के पंजाब च खुशहाली लेके आए, हुण उह खुशहाली दा लैवल ऑप्टिमम ते पहुँच गया, जमीना छोटियां हुंदियां जा रही, साडा पानी बिल्कुल थले चले गया, जे असीं पूरे मुल्क दा अन्न पूरा कर सकते हैं तां मुल्क दा फर्ज़ नहीं कि अज्ज साडी मदद करन, झोने की फसल को बदल के दूजी फसल को MSP दें, मैंने तो फार्मरस की एजुटेशन चो होप सी के हो, पर इस पास किसी ने मंग ही नहीं रखी, ये मंग रखते तो मंग पूरी हो सकती सी, हूँ भी रखनी चाहिए है कि जोड़ा झोना है इनू पंजाब बैन कर दिता जाए, उत्थे ही होवे झोना तो गन्ना जिथे सरफेस वाटर अवेलेबल है, नदियों का नालियां का पानी अवेलेबल है, जोड़ा नीचों पानी कड़ना है उत्थे फसलां नहीं होनी चाहिए, उत्थे वो फसलां जिहड़ियां घट पानी मंगदियां, जे अज भी हो जाए तो सानू 20 साल लगनगे वाटर टेबल नूं राइज करदे, क्योंकि झोने ने जिहड़ी नीचे तह बना दित्ती है वो पानी जिहड़ा मींह दा भी जांदा नीचे नहीं जांदा उपर ही सुकदा, सही पैसीपेट नहीं हुंदा, उहनूं फिर सानू वड्डी मशीनरी लिया के उहनूं भन्नीए, इहदे च बदल लियाईए फसलां दा, दूजियां फसलां नूं प्रोक्योरमेंट करन, असीं नेशन नूं 20% पेट्रोल दे विच मैथनॉल ते एथनॉल पाउण लई पंजाब दे सकदा है, सानू मक्की दा बदल देण असीं करांगे, दालां तुसीं इंपोर्ट करदे हो क्यों नहीं सानू दिंदे, ऑयल सीड्स तुसीं बाहरों इंपोर्ट करदे हो, दिओ बदल पंजाब नूं, पंजाब कल्ला नहीं है, पंजाब तो ज़्यादा स्ट्रेस्ड हरियाणा है, हरियाणा कोल बिल्कुल पानी नहीं है, पंजाब है, हरियाणा है, वैस्टर्न UP है, पूरी UP लै लो, तुसीं पूरी UP दे विच जिन्ने वाटर सोर्स सी उह ड्राई हुंदे चले जा रहे हैं, जिन्ने उहनां दे टोबे सी, तालाब सी, मार्शी लैंड सी, उह खतम हो गईआं, पंजाब च सेम दे प्रॉब्लम सी, सेम दे नाले पंजाब च हुंदे सीगे, उह जिथे सेम दे नाले सी उत्थे 200-200 फुट दे पानी चले गया, सही, इह क्लिंटन हिंदुस्तान च आए देखो किन्नी देर पहलां जदों राष्ट्रपति सी, उहनां नूं राजस्थान तो वापस आए दिल्ली तो उन्होंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान लई तुसीं मैसेज, उन्होंने यक लखत किया सेव योर वाटर्स, कितने साल हो गए, 25 साल हो गए तकरीबन, एंड अज सानू अज भी नहीं समझ आई कि असीं पानी किवें समझ, अटल जी ने उदों कोशिश की सी इंटैग्रेशन करनी रिवर्स की, वो बड़ा बड़ा आइडिया सी कि समुद्र च पानी मिनीमम जाए, ठीक है वो तो है, पर जिहड़ा पानी अवेलेबल है उहदी दुरवरतों भी रोकी जाए, सही, हुण तुसीं कंडी दे एरिए 500-600 फुट तो पानी लिया के उत्थे झोना लाओगे तो स्टेट रोकूगी नहीं, स्टेट क्रिमिनल है, जिहड़ी स्टेट नहीं रोकदी उस तो बड़े क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता, सानू रोकने चाहिए, सानू जिन्ना एरिया कंडी दा उत्थे सिर्फ ड्रिप इरीगेशन दे के बागबानी करनी चाहिए है, वो बागबानी दे नाल साडी इनवायरमेंट भी इंप्रूव होगी तो जिहड़ा वाटर ते स्ट्रैस है वह भी खत्म होगा, जिहड़ा साडे ए इलाके हैं
ये इलाकों के सानू पंजाब दे विच हुण पहल करनी चाहिए है, क्योंकि जिहड़ी पैरिस डैक्लरेशन हो गई है उहदे च हुण टिंबर नहीं कट्टी जाणी। जे टिंबर नहीं कट्टी जाणी तां आन वाला युग है जिहड़ा उह बांस दे उत्ते है, असीं मैक्सीमम बांस कर सकते हैं। एंड बांस है जिहड़ा उह सानू ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन की लोड़ नहीं है। शुरू के बाद ये चीज़ों बारे स्टेट को भी सोचना पो, सेंटर को भी सोचना पेगा, बिकॉज सेंटर का रोल बहुत बड़ा है जी। ठंडा साहब, सिमरजीत बैंस होर के खिलाफ एक ब्लेम लगे से, एलीगेशन लाए से किसी औरत ने, वैसे तो कई लगे उदू बाद, वो मामले दे विच तुसी केस दर्ज कराया, ये पिछे कारण की सी, राजसी सियासी रंजिश सी जां फिर सी कि एक वकील का धर्म? जे सिमरजीत सिंह बैंस ना होंदा, कोई होर होंदा ते इस तरह स्टेट उहदे पिछे खड़ जांदी तो मैं उहदे लई भी लड़दा। तुहानूं लगदा स्टेट खड़ी? 100% स्टेट खड़ी है। तुसीं देखो ना, रोजाना केस हुंदे आ रेप दे, रोजाना फ्लिप ऑफ फिंगर नाल रजिस्टर हुंदे आ, यक लखत बंदे नूं फड़ लिया जांदा, झूठे भी हुंदे आ उह भी फड़ ले जांदे आ, उहनूं भी मौका नहीं दिंदे कि उहदी सच्चाई तां चले जाइए। तो सिमरजीत सिंह बैंस लई क्योंकि MLA है तो कानून अलग क्यों? उस लेडी नूं ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਔਫਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜਿਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਘਟੀਆ ਔਰਤ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਆਏ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਔਰਡਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਓਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸਪੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਵਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਿਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਸਟਿਸ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲੋਇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
मैनू तो ऑलरेडी हिट कर दी है क्योंकि मैं बार कौंसल चा मैंबर है, बार कौंसल ने एक बार लाइसेंस कैंसल किया, उदियां होर कंप्लेंट्स चल दी बार कौंसल च, एंड वो बार बार जद भी बोलती है मेरे तो इसे गल करके इल्जाम लाती है। उन्हें एक वकील से केस सिस्टर कराया सी, मैं उस वकील की बेल च पेश होया, उदन उत्थे कोर्ट च मेरे उल्ट मिली। यह जिया जड़े सौखे सॉफ्ट अवेलेबिलिटी होंगी है बंदे उन्होंने मिसयूज़ करने की कोशिश की जाती है, बनाई सीडी बनाई इन्होंने मेरे ते इल्जाम ला के, पर वो अच्छा है कि बैटर सेंस प्रवेल की है, इन्होंने वो जनहित नहीं की, तो जनहित हो भी जाती मैं खौफ नहीं सी। देखो जब तुम लड़ाई ऐसी लड़ोंगे तो थोड़े ते हमले तो होने ही होने हैं। मेरे ते केस भी रजिस्टर कराया बरनाले इन्होंने, उदी मैं कैंसलेशन पाई है, उदियाँ दो डेटा नहीं हो सकिया पेंडेमिक अगे लंघ गई, मैं उत्थे एप्लीकेशन दिती है इन्वेस्टिगेशन की, उहदे ते हले तक कुछ नहीं होया। मैं बार बार पुछदा DSP नूं सवाल नहीं लभदे मैनूं की जवाब देवे, पर होर भी हमले होणगे, इन्ने थोड़ा है होर भी होणगे। ये थोड़े तो जर्नलिस्ट नूं एक नूं जिहड़ा मरे जिन्हां ते राम रहीम जी नूं कन्विक्शन भी होई है जी, फिर लंकेश बहुत ना। देखो जिहड़ा वॉइस चकूगा ते जिहनूं पिंच होगी उहनूं अपने अटैक्स करूगा जो उहदे कोल टूल्स अवेलेबल है। मेरे ते बड़े अटैक होए हैं, मैंने कहे कि मैं रेपिस्ट मैं भी आया, मेरे ते कन्विक्शन हुई हुई है, हुण भी बोले समरजीत सिंह बैंस जी बोले जिहड़े दो तुहाडे ते लगे सी ओह किन्ने जेनुइन सी? लगे ही कोई नहीं सी, लगे ही कोई नहीं सी। एक मेरे वाकफ इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने उन्होंने भरा ने एक झूठा क्रेप केस रजिस्टर करवाया सी, ते उहदे विच इह लिखिया सी कि उन्हें उन्हों कहता कि हरीश टांडा मेरा वाकफ है, मैं तैनूं नौकरी लैण च मदद कर दूंगा हाले। एंड कोई लेडी कालड़ा सी समथिंग की सी, कालड़ा नहीं सी, मैंने नाम नूम नहीं याद। वो इसे करके केस भी रजिस्टर चंडीगढ़ कराया सी, एंड अल्टीमेटली पूरी कॉल डिटेल्स पुलिस को आ गई सी, जिहदे विच पूरा लिंक वो ब्रदर के नाल साबित होंदा सी, पर वो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया, मैटर पेंडिंग हाई कोर्ट के विच। उहदे च मैनू याद है कि मेरे को भी चिट्ठी लैन आए रिकमेंडेशन लैटर कि जी एक स्पाइस कंपनी की दे दौ, मैं बिकॉज मैं लॉयर हाँ मैं समझदा मैं नहीं दी, मैं कहीं मैं कितना स्पाइस में लैटर दे सकता, मैं किसी नौकरी दे ली इनफ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी को, सॉरी। मैं जवाब दिता, वो बंदा एक आया सी, मैंने उन्हें कार्ड दिखाया कि मैं वाइस प्रेजिडेंट है जत्थेदार है अकाली दल का रोपड़ का, पर मैं नहीं दिता। वो फिर बाद मैं ख्याल आया कि बड़ा इंसिस्ट कर रहा है मेरे को लैन की, मैं नहीं दिता। फिर ये मेरे ते जब चेयरमैन मैं लगे उदों भी इल्जाम लाए हाई कोर्ट च, तो हाई कोर्ट ने फिर सारा रिकॉर्ड मंगा के कहा नन ऑफ द एलीगेशन कुड बी सबस्टानशिएटेड, मैंने एग्जोनीरेट किया हाई कोर्ट ने इस एलीगेशन तो। ये दो लाइया से, एक मेरे तो लैंड ग्रैब की लाई सी, एक के मैं रेप केस इनवॉल्व है, दोनों च हाई कोर्ट ने मैंने एग्जोनीरेट किया, फस्ट बेंच ने, फस्ट DV ने आदर्श कुमार गोयल जी और मेन सीनियर जज से। सो ये कोई गल नहीं है, लाइफ के लगना है हले होर लागे, ये नहीं कहते कुछ होर भी कुछ हर मेरे हूँ जो दूसरा केस है एक लेडी का जी, सैकेंड लेडी आई है बैंस वाले मामले, एक प्रिंकल है मुंडा कांग्रेस का मदद करता है, रेड पवाती दुकान पर चल चार दिन पहला कि जी ये पासिंग ऑफ करता है कोई नॉन ब्रांड्स दिया कपड़े बेचता है, एंड क्लेम करते हैं कि जी असी कराई जेडे जिन्हों चूंडी बजी जाती है, ये हो गया मेरे खिलाफ नहीं लभ्या कुछ नहीं, बड़ा कुछ लभ रहा मेरे खिलाफ, मैं तो ओपन बुक है जो मेरे खिलाफ करना कर लो, मैं पिछे नहीं हटूंगा। अगला विजन की है जी? हम कुछ नहीं विजन दो चित्ती च है, मैं लगता है मेरी पार्टी ने मैं इलेक्शन लड़ानी है, फिर मेरे मुद्दे से पार हो जाता है कि मेरे केसा का ही बनो जी मैं वकालत पुछ, एंड जिन्होंने कहना दुराहे पर खड़ा है क्रॉस रोड पर खड़ा है, मेरा फिर दिल भी करता लड़ना इलेक्शन, उत्थे भी मैनू पोलिटिकल साथी मेरे ते हमला बोलते हैं कि ये क्यों आ गया, वाजिब है उन्होंने भी, उन्होंने भी कहना वाजिब, पर मैं जे इलेक्शन लड़ना है तो परमात्मा मैं कामयाबी दिंदा है, मैं इस बार डट के सिस्टम क्लीन करने की लड़ाई लड़न की कोशिश करूँगा जिहड़ी मैं पिछली बार लड़े हैं, पर मैं कामयाब नहीं हो सकया, मेरा इंपैक्ट नहीं हो सकया। मैं फिर पब्लिकली भी कह दिता सीगा कि जिहड़ी सरकार है एक ऐसा हाथी है जिहड़ा अपनी चाल नहीं बदलता, उस चाल से चलता, तुसीं लख जोर ला लो पर यह बदल नहीं होगी। एक अंकुश हुंदा है ना हाथी नूं चलाउण दे वास्ते, वो हैगा तुहाड़े कोल, दृढ़ता होवे बन जाती है,
ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਵਿਸ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਲੋਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਟਾਂਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ ਕਰਦਾ ਟਾਂਡਾ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੱਜ ਕੱਢਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੱਜ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬੰਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਰੀ ਬੈਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਟਨਡ ਅਸ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਲਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲੋਟ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ 600 ਚੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਟਸ ਅ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਦੁਆਇਆ ਕਿਨਿਆ ਠੇਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ CMO ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਕੇਅਰਸ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਅਰਸ ਪੈਸਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਹਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਦ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੇਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਖੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖਾਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਲਾਈਟਨ ਹੋਈਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹੋਣਾ ਪਊ ਸਾਡੀ ਹੁਣ RTI ਹੋ ਗਿਆ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਛੇ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਜੋਰਿਟੀ ਬਲੈਕਮੇਲਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਘੇਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ
एक जतन से हरीश राय टांडा की जिंदगी दे बारे एक झात पवांदा किहो जिहा काम करदा तरीका किहो जिहा रहन सहन है तो की है उन्हां दा विजन। मैनूं लगदा तुहानूं पसंद आया हो तो जे सच्ची पसंद आया फिर ही इहनूं लाइक ते शेयर करियो। जे किते कोई कमी पेशी नज़र आई तो थल्ले कमेंट कर सकदे हो असीं सुधारन दा जतन करांगे।